कुछ सवालत आए थे फिजिक्स के ना और ट्रांसफार्मर के बेस में। ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं हमारे, एक स्टेप अप एक स्टेप डाउन। स्टेप अप में हमेशा नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ प्राइमरी, वोल्टेज सेकेंडरी का ज़्यादा होगा प्राइमरी के। स्टेप डाउन वो होगा जिसमें नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ सेकेंडरी, वोल्टेज प्राइमरी का ज़्यादा होगा नंबर ऑफ सेकेंडरी। स्टेप अप हो चाहे डाउन हो, करंट का मामला है रखो, वोल्टेज और नंबर टर्न से हमेशा अपोजिट होगा। स्टेप अप में प्राइमरी का करंट ज़्यादा होगा सेकेंडरी से, इसी तरह स्टेप डाउन में आपके पास सेकेंडरी का जो करंट है वो प्राइमरी से ज़्यादा होगा। बचा समझिए कि भाई पावर बराबर होती है वोल्टेज में, पावर वही रहेगी, वोल्टेज बढ़ेगा करंट कम होगा, करंट बढ़ेगा वोल्टेज कम होगा। अब कुछ न्यूमेरिकल बड़े अच्छे अच्छे दिए हैं। एक सवाल था जिसमें प्राइमरी वोल्टेज 220 था, सेकेंडरी 4.4 किलो वोल्ट था। एक साल तो ये था कि ये स्टेप अप है स्टेप डाउन है, क्या है भाई ये स्टेप अप है, क्योंकि प्राइमरी का वोल्टेज कम है सेकेंडरी का ज़्यादा है 4.4 किलो वाट। सेकेंडरी की पावर भी दी गई थी उन्होंने 6.6 किलो वाट और सेकेंडरी का करंट पूछा। तो मेरे भाई इसका तो कोई काम ही नहीं था, फार्मूला खाली इस पर हो जाता है। पावर ऑफ सेकेंडरी है 6.6 किलो वाट या 4.4 किलो वाट, समझे किलो किलो भी आपस में घट गए। 6.6 को 4.4 से डिवाइड करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, 1.5 आना चाहता है। ऐसा एक और बड़ा अच्छा सवाल था, वी इन से मुराद प्राइमरी वोल्टेज, वी आउट से मुराद सेकेंडरी वोल्टेज। प्राइमरी वोल्टेज 22 किलो वोल्ट दिए, सेकेंडरी जो है 550 वोल्ट दिए, और रेशियो निकालना है नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न का नंबर ऑफ प्राइमरी से। कोई बताएगा यार स्टेप अप है स्टेप डाउन है, स्टेप डाउन क्यों प्राइमरी का वोल्टेज सर। देखिए हमारे पास ये फार्मूले हो, नंबर ऑफ सेकेंडरी नंबर ऑफ प्राइमरी इक्वल टू वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी डिवाइड बाय वोल्टेज ऑफ प्राइमरी। तो मैं फार्मूला यूज़ कर दूँगा, सेकेंडरी का वोल्टेज कितना है 550, प्राइमरी का 222 है, लेकिन किलो का मतलब है 1000। अब देखते हैं क्या कैंसिलेशन होती है जी, एक जीरो कैंसिल हो गया, या 11 के टेबल से 5 और 8 हो, 200 को 5 से कैंसिल कर दें तो 1:2 आंसर होगा, नंबर ऑफ सेकेंडरी और नंबर ऑफ प्राइमरी के साथ 1:40। और यही बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर है, कैंसिल।